हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, आरआरबी टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट आप लोगों का आ चुका है, जो कि आपको सबको पता है कि 8 मार्च को ये रात को रिक्रूटमेंट हमको देखने को मिला। काफी सारे बच्चे ये उम्मीद में थे कि डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, जैसे एएलपी में। तो आज मैं आपको बताता हूं कि यस, डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल है, लेकिन ये किस तरीके से और कहां पर एलिजिबल है और कितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कितनी ब्रांच के लिए एलिजिबल है, इसके बारे में डिटेल में अपन लोग एक बार देखते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप लोग देखते रहिएगा। चलिए जरा देखते हैं। तो टेक्नीशियन की अगर हम बात करते हैं, तो गाइस टेक्नीशियन जो जॉब है वो दो तरीके की होती है। एक होती है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जो कि आपकी एसएनटी डिपार्टमेंट यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में होती है, जिसकी जॉब प्रोफाइल या मैं बोलूंगा सैलरी काफी ज्यादा होती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 से। अब आपके पास जो नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, जाहिर सी बात है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी ज्यादा ही होंगी, बट अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल 2 के अंदर ये सैलरी स्ट्रक्चर आता है। और अगर आप उसने पूछेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सर सैलरी होती कितनी है, तो इनिशियली आपको 19,900 के आसपास मिलती है, यही आपका बेसिक पे होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, तो बेटा इसकी सैलरी अच्छी खासी होती है, और आपको बता देता हूं ये 11.5 में आती है और यहां पर 29,200 आपका बेसिक पे होता है। अगर आप मुझसे नॉर्मली सैलरी भी पूछोगे तो मैं आपको वो भी डिटेल में बताऊंगा। चलो एक बार बता भी देता हूं, ग्रेड 1 सिग्नल की जो सैलरी है 29,200 सिर्फ बेसिक पे है। और अगर रिसेंटली आपने एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने जो डियरनेस अलाउंसेज है वो 50% बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब आपका डियरनेस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट में 50% हो गया है। तो अगर आप मोटा मोटा इसका 50% भी देखोगे तो 29,000 के साथ अगर 50% देखने जाता हूं तो 35,000 के आसपास यही होता है। ओवरऑल आपकी जो सैलरी है ये 40,000 से ऊपर ही आती है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की। इसके अलावा बात करते हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में आपको एज लिमिट भी देके रखी है 18 से 36, और मैं इसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं, टोटल 1092 यानी कि 1092 वैकेंसी आप लोगों के लिए है, और ये सारी वैकेंसीज डिप्लोमा वाले बच्चे और बीटेक वाले बच्चों के लिए और बीएससी वाले बच्चों के लिए है। अब बस बात यहां पर ये आती है कि कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है और कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल नहीं है। चलिए जरा उसके ब्रांच की एलिजिबिलिटी के बारे में भी मैं थोड़ा सा बातें कर लेता हूं आप लोगों से। तो सारे डिप्लोमा और स्टूडेंट्स के लिए मैं बातें करना चाहूंगा, और सारे बीटेक वाले बच्चों के लिए भी मैं बातें करना चाहूंगा कि आप लोग किस तरीके से एलिजिबल हो और आपकी कौन सी ब्रांच यहां पर एलिजिबल है। एक एक पॉइंट को मैं बहुत प्यारे तरीके से आपको समझा दूंगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी जो है यानी कि आपकी जो योग्यता है वो पूरी तरीके से मैं आपके सामने बता दूंगा। इसके बाद आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर। चलिए जस्ट अ मिनट। चलिए ये हमारे रेलवे के बोर्ड्स हैं, आ जाइए। अब आते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के ऊपर। सबसे पहले ये वो पोस्ट है 1092 पोस्ट जहां पर बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल हैं। लेकिन अब ये बीटेक और डिप्लोमा वाले कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, जरा इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, यानी कि अगर हम बोले तो बीएससी बोल देता हूं, ठीक है। फिजिक्स में अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, अगर आपने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो भी एलिजिबल है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है तो भी एलिजिबल है, बीएससी आईटी ब्रांच यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है तो भी एलिजिबल है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी किया है तो भी एलिजिबल है, ठीक है। अगर आपने बीटेक भी किया है इन पांचों ब्रांच में तो भी आप एलिजिबल हैं, और आपने बीएससी किया है इनमें से किसी कंबाइंड सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में किया है तो भी आप एलिजिबल होते हैं। एनी ऑफ सब स्ट्रीम, बस आपकी डिग्री पर लिखा होना चाहिए। मतलब अगर आपने बीएससी किया है और आपकी डिग्री में इनमें से कोई एक वर्ड लिखा है, भले आपकी डिग्री पे दो या दो से ज्यादा वर्ड लिखा है, लेकिन इनमें से अगर कोई एक वर्ड लिखा है तो आप एलिजिबल। इसके बाद ये बोलते हैं ये अगर नहीं किया तो 3 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में इन अबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ अबव बेसिक स्ट्रीम। मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया है और आपके डिप्लोमा के अंदर डिग्री में कहीं पर भी ये नाम में से कोई एक नाम लिखा है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ये बच्चा एलिजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके उसकी डिग्री में ये एक नाम जुड़ के आ चुका है, ठीक। चलिए लेकिन अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने डिप्लोमा केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, तो मुझे यहां पे बोलना पड़ेगा शायद वो बच्चा इस बार एलिजिबल नहीं है। तीसरी बात कर लेते हैं, डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक के बच्चे इन अबव बेसिक स्ट्रीम कोई भी हो और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अबव स्ट्रीम, यानी कि अगर कोई बच्चे ने डिग्री करी है
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो वो बच्चा यहां पे एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी ने डिग्री करी है तो वो बच्चा यहां पर एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो प्योर इलेक्ट्रिकल के बच्चों को यहां पर एलिजिबल नहीं किया है, लेकिन जितने भी हमारे डिग्री वाले बच्चे हैं या डिप्लोमा वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वो बच्चे एलिजिबल हैं, या इनमें से ऊपर से कोई भी बेसिक स्ट्रीम हो वो भी बच्चा एलिजिबल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी किया हुआ है तो वो भी बच्चा एलिजिबल है। बस यहां पर अगर कोई एलिजिबल नहीं है तो वो है प्योर सिविल इंजीनियरिंग, प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एलिजिबल नहीं किया। उसका कारण भी है, ये डिपार्टमेंट बेटा सिग्नल डिपार्टमेंट है और एक सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है। ठीक है, चलिए अब आती है इसके बाद की बात। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि एक डिप्लोमा वाले बच्चे और एक बीटेक वाले जो बच्चे हैं वो किस जगह पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये एक आपकी पोस्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि किस आरआरबी में कितनी पोस्ट है, उसके हिसाब से आप भर सकते हो। सैलरी स्ट्रक्चर लेवल 5 का है, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। एक ही CBT 1 होने वाला है, मतलब सिर्फ CBT 1 ही है, एक ही एग्जाम है, तो जितनी जान से पेपर दे सकते हो उतनी जान से पेपर लगा के दीजिए, आपका ये पेपर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों को ये भी बता देता हूं कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का मतलब होता है रेलवे की तरफ से एक ऐसा स्टैंडर्ड जहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा स्टैंडर्ड बेटा B1 जहां पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए आपकी आंखों का नंबर 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 डायप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 4 डायप्टर से ज्यादा के नंबर पे जाते हो तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन आपको इसके साथ बहुत सारे टेस्ट भी क्लियर करने पड़ेंगे, जैसे कलर विजन टेस्ट हो गया, बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट हो गया, फॉगिंग टेस्ट हो गया, ये सब भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे। चलिए गाइस, इस तरीके से मिलते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लासेस आपके लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की स्पेशल क्लासेस आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।